नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में OnePlus 6 के अंदर मैं फ्रेंड्स कुछ ऐसे हिडन फीचर बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि वह सेटिंग है जो कि आपको बहुत हद तक कि आपको चेक करना होगा फ्रेंड्स। अगर अपने फोन में बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि अपने प्ले स्टोर से नहीं, आप किसी गूगल क्रोम से या कोई वेबसाइट से आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं या डाउनलोड किए हैं फ्रेंड्स, इंस्टॉल किए हैं, तो इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स। आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे हिडन फीचर फ्रेंड्स, ऐसे जानकारी फ्रेंड्स जो कि आपको बहुत ही ज्यादा तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपका फोन है जो कि सिक्योर होगा। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अपने अदर वेबसाइट से आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, उसका एक्टिविटी या उसका परमिशन है जो कि नहीं भी देते हैं तो आपका परमिशन ऑटोमेटिक ले लेता है, तो उसको किस तरह आप चेक करना है इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल नहीं छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। शायद हो सके ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी मैं बताऊंगा सेटिंग फ्रेंड्स इसमें जो कि बहुत ही ज्यादा आपको यूजफुल है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आपको मैं चेक करके मैं दिखाता हूं कौन सा, मान के चलिए आपका कैमरा का परमिशन कौन-कौन एप्लीकेशन लिया या फिर आपका लोकेशन का परमिशन कौन-कौन सा एप्लीकेशन रहेगा, सारे का सारे में जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आप भी इस वीडियो को पूरा देख कर फ्रेंड्स आप अपने खुद अपने फोन में चेक कर लिया कौन एप्लीकेशन है जो कि आपको फालतू का परमिशन वो ले लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाए, तो देखिए मैं अपने फोन के सेटिंग में यहां पे मैं आ जाता हूं। फोन के सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखिए, यहां पे ऐप एंड नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको आना होगा। यहां पे ऐप एंड नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएं, उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें ऐप परमिशन है, ऐप परमिशन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैं ऐप परमिशन के ऊपर यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं ऐप परमिशन के ऊपर क्लिक किया हूं फ्रेंड्स, तो यहां पे देखें यहां पे आपको कैलेंडर है, कॉल्स है, इसका कैमरा है, कॉन्टेक्ट है, लोकेशन है, माइक्रोफोन है, फोन है, इस तरह आप बहुत सारे का सारा एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि मैं दो तीन को आपको चेक करके मैं बता देता हूं फ्रेंड्स। यहां पे देखिए, यहां पे जैसे आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका फोन में मतलब कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशन जो कि कैलेंडर का भी परमिशन लिया है। तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए मेरा कैलेंडर का लिया है फ्रेंड्स, यहां पे जीमेल लिया है और गूगल लिया है, तो इस तरह आप पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे मैं बैक आता हूं, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखिए कॉल्स का परमिशन कौन कौन लिया है, तो यहां पे देखिए यहां पे इसके ऊपर मैं जब क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए कॉन्टेक्ट लिया है, गूगल लिया है, जो कि सब जेन्युइन है फ्रेंड्स। यहां पे देखिए और उसके बाद यहां पे इस बात को आप ध्यान दें, यहां पे देखिए मैं व्हाट्सएप भी है, तो मैं व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग करता हूं, ऑडियो कॉलिंग करता हूं, तो मेरे को ये परमिशन देना इसको जरूरी है। लेकिन आप इस बात को ध्यान दें, यहां पे आप देख लीजिएगा कि आप कॉल को आपको कोई और ऐसा फालतू का एप्लीकेशन तो नहीं जो कि यहां पे आपको परमिशन नहीं देता। अगर वो परमिशन लिया रहेगा फ्रेंड्स तो उसको आप जाकर यहां से इस तरह बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वहां पे देखिए ऐप कर दीजिएगा फ्रेंड्स, यहां पे इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, यहां पे जैसे आप क्लिक कर देगा तो वो परमिशन है जो कि ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, वो एप्लीकेशन से परमिशन वो हट जाएगा फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए मैं फोन का चेक कर लिया हूं, उसके बाद यहां पे मैं बैक आता हूं, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे कैमरे वाले ऑप्शन पे आप आ जाएं। देखिए मैं कैमरे वाले ऑप्शन पे यहां पे आ जाता हूं। अब मैं कैमरे वाला पे आऊंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैमरा में कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो मेरा कैमरे का परमिशन लिया है, तो यहाँ पे मैसेंजर लिया है, फोन लिया है, ये देखिए आप अगर आप इसको व्हाट्सअप लिया है, यहाँ पे गूगल ड्यू लिया है, कैमरा लिया है, तो इन सभी को आप ध्यान से देखें। आपको ऐसा तो कोई एप्लीकेशन नहीं है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किए हैं या फिर वो एप्लीकेशन आप गूगल क्रोम से आप डाउनलोड किए हैं और वो आपको परमिशन फालतू का ले लिया है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसको आपको अलाउ जो परमिशन दिया उसको परमिशन को आप हटा दीजिएगा। ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लोकेशन को भी आप चेक कर लीजिएगा। लोकेशन का भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होता है जो आपको फालतू का परमिशन ले लेता है। इससे क्या करता है फ्रेंड्स, आपका लोकेशन ट्रैक करते रहता है, लोकेशन ट्रैक करते रहता है, लोकेशन का परमिशन ले लेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका लोकेशन भी ट्रैक करते रहेगा, आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा खपत होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं लोकेशन पर भी मैं चेक कर लेता हूँ, तो लोकेशन का फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गूगल लिया है, मैप लिया है, गैलरी लिया है। अगर आप चाहते हैं गैलरी का परमिशन हटाना तो यहाँ पे गैलरी का परमिशन आप हटा सकते हैं। ये कोई बड़ा आपको गैलरी को लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, तो आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको हटा दिया हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। तो इसी तरह आप भी आप चेक कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा लोकेशन हो गया या कैमरा हो गया या फोन हो गया, तो इस तरह सभी को आप चेक कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स इसी पर्पज से बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई फालतू का कोई ऐसा एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है उसको फालतू का आपका परमिशन ले लिया है तो इन सभी को आप चेक कर लीजिए सबसे पहले फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें माइक्रोफोन है, इसको भी ये भी सेटिंग को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। माइक्रोफोन में भी आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा परमिशन लिया, कौन कौन ऐप परमिशन लिया, तो इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे फोन को भी आप चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए फोन को भी मैं यहाँ पे चेक कर लिया हूँ। यानी कि आपको जो जो आपको लग रहा है शक फ्रेंड्स कि आपको कोई एक्सेस तो नहीं, फोन को भी इसलिए चेक कीजिएगा कि कहीं आपका कोई और अदर एप्लीकेशन एक्सेस करके आपका कोई कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं सुन रहा था, इस तरह ये सबको आपको जरूरी जरूरी है जो उसको आप चेक कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैसेज को भी चेक कर लीजिए, कोई ऐसा एप्लीकेशन आपको फोन में कोई डाउनलोड तो नहीं करके रख दिया कि आप मैसेज किसी को कर रहे हैं वो आपको दूसरे पे सेंड हो रहा है, तो यहाँ पे इसको भी आप इस तरह चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा इसमें
में भी शो नहीं कर रहा है। फैंसी यानी कि मैं ऐसा कोई भी ऐसा एप्लीकेशन इस फोन में यूज नहीं कर रहा हूँ जो कि मेरे को कहीं अदर मोबाइल पे या अदर एप्लीकेशन पे मेरा सेंड हो, मेरा इन्फॉर्मेशन है जो कि सेंड होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो कि मेरा सभी व्हाट्सअप हो गया, फोन हो गया, फैंस यहाँ पे देखो वन प्लस का है, माई जियो है, उसका मैसेज है, उसके बाद फैंस यहाँ पे देखो गूगल पे है, गूगल है, इन सभी एप्लीकेशन मेरा कोई फालतू का एप्लीकेशन नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद फैंस यहाँ पे देखें स्टोरेज को भी आप चेक कर लीजिए कहीं ना, स्टोरेज को तो आप जरूर से जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि स्टोरेज में भी आपको प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख लीजिए आपका कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो कि स्टोरेज का परमिशन लिया। इसमें भी अगर कोई फालतू का अगर आपको कोई एप्लीकेशन ऐसा है कि जो कि फालतू का आपका स्टोरेज ले लिया है तो उसको भी आप उसको भी हटा दीजिए, उसको भी परमिशन आप हटा दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं बैक आ रहा हूँ। बैक आने के बाद फिर से इन सभी को आप अपनी एक एक करके आप चेक कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं सभी का एक एक करके मैं चेक करूँगा फ्रेंड्स तो ये वीडियो बिल्कुल ही बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं सारा का चेक करके तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इस सेटिंग को आप जरूर चेक कर लीजिएगा अगर वन प्लस सिक्स फोन यूज कर रहे हैं या फिर वन प्लस कोई भी फोन आप यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए तो फिर इस आप भी अपने फोन के सेटिंग में जाकर परमिशन को आप चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको वन प्लस सिक्स के अंदर में ये सेटिंग कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।